हेलो दोस्तों, देवरा बाबा आश्रम के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। देश के बड़े बड़े राजनेता जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और कई बड़े बड़े राजनेता देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने आते थे। देवरा बाबा का यह आश्रम श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में यमुना किनारे बना हुआ है। 19 जून 1990 को मंगलवार योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने इसी स्थान पर जल समाधि ली थी। बाबा के जन्म के बारे में कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि बाबा करीब 900 साल जिंदा थे। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। पिछले वीडियो में आपने बाबा का वह मचान देखा जिस पर वे रहा करते थे और इसी मचान से वे पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। देवरा बाबा के बाद उनके शिष्य इस आश्रम को संभालते हैं, जिन्हें बड़े महाराज जी कहा जाता है। इस वीडियो में हम बड़े महाराज जी से बात करेंगे और आश्रम के अन्य स्थानों को देखेंगे। बड़े महाराज जी आ चुके हैं, तो चलिए बड़े महाराज जी से बात करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। अभी आप जो जगह देख रहे हैं, ये देवराहा बाबा जी की तपस्थली है। देवराहा बाबा हमारे देश के सबसे एजलेस, जिनकी उम्र की कोई सीमा नहीं थी, जिसके उम्र के बारे में कोई जानता नहीं है, कई सौ साल तक हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऋषि गुरुदेव रहे और सबका कल्याण किए। यहाँ पे वृंदावन में यमुना जी के तट पे उनकी समाधि है। बाबा ने 19 जून 1990 को यहाँ अपनी समाधि ली। बाबा हमारे अष्टांग योग सिद्ध महायोगी, जो कि समस्त प्रकार के सिद्धियों के ऊपर अधिकार रखने वाले और समस्त प्रकार के जितनी भी संसार की माया कह लीजिए और विषय कह लीजिए, सब के बारे में ज्ञान रखने वाले, सभी मार्ग के प्रदर्शक, सभी मार्ग के मार्गदर्शक, विशेष करके अध्यात्म में बाबा की अत्यंत हाई लेवल की जो योगियों की श्रेणी होती है, उस श्रेणी में आते हैं। बाबा हमेशा मचान के ऊपर रहते थे और मचान से ही दर्शन देते थे, जो कि सब पूरा भारत जानता है। बाबा हमेशा सबके ऊपर दया है बच्चा, दया है बच्चा, राम नाम जप करो बच्चा, ऐसा करके आशीर्वाद देते थे। बाबा का मुख्य उपदेश है कि बच्चा दो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है, तो एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का रगड़ पड़ेगा, तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बाबा के यहाँ कुछ चमत्कार भी देखे गए हैं, कौन कौन से चमत्कार यहाँ देखे गए हैं? बाबा के यहाँ चमत्कार की तो ढेर है, वृंदावन में ही कितने सारे चमत्कार बाबा ने किए, और यहाँ तक कि मृत जीवों को भी, मृत शरीर को भी बाबा ने जीवित किया। पटना हाईकोर्ट के जज से ये हमारे सामने की घटना है देवरिया की, उनके बच्चे को सर्प ने काट लिया, वो मर गया। बाबा ने शंख से जल डलवाया, कुछ मंत्र बोला, उठ करके वो बच्चा, मरा हुआ बच्चा उठ के बैठ गया। तो ऐसे अनेक घटनाएं हैं बाबा के बारे में जो अवर्णनीय है, जो विश्वास के लायक नहीं है। एक बार इलाहाबाद कुंभ की घटना है ये, कुछ विदेशी भक्त लोग आए थे दर्शन करने, उसमें एक विदेशी माता अचानक बेहोश होकर के गिर गई। डॉक्टरों ने बोला ये तो डेथ कर गई, तो बाबा ने कहा बच्चा हमारे दर्शन के लिए आई थी, अब ये इसका मृत्यु होना ठीक नहीं है। तो बाबा ने आदेश दिया कि जहाँ मैं चरण धोता हूँ वहाँ का मिट्टी ला करके इसके माथे में लगा दो।
ऐसा किया गया, थोड़े देर में वो माता जी उठ करके बैठ गईं और उन्होंने पूरे जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया। उनके संतान भी आज बाबा की सेवा में आते रहते हैं अमेरिका से। तो इस प्रकार से अनेक सिद्धि और अनेक चमत्कार हैं बाबा के, बाबा का असीम कृपा है सबको। यह है यज्ञ स्थल जहाँ पर 9 कुंड बने हुए हैं और उनमें यज्ञ होते रहते हैं, लेकिन एक कुंड पर हमेशा यज्ञ रहता है, यज्ञ चलता ही रहता है। जब नवदुर्गा चलते हैं उस समय पर 9 कुंडों पर यज्ञ चलता है। आइए आपको दिखा देते हैं यज्ञ स्थल। ये है यज्ञ स्थल, देखिए अभी भी यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए। ओम भो भी जम्बो शक्ति चौकिलकम गायत्री विद्यावदम पाठी विनियोगा ध्यानम पंचवक्रम तत्वजाम सौरकोटिसमं प्रभाम सावंत्रीं ब्रह्मवरदाम चंद्रकोटिसुशीतलाम त्रिनेत्राम सद्वक्रम सोमकार। ये देखिए ये बन रहा है बर्मी कंपोस्ट, जिसमें ये जो गायों का जो गोबर होता है उसके अंदर केंचुए डाले जाते हैं और ये एक जैविक खाद तैयार की जाती है यहाँ से। तो इस तरह से ये जो गाय होती हैं उनके जो गोबर होता है, उनका जो मूत्र होता है, उसका भी यहाँ बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, देखिए कितने यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हो रहे हैं, देखिए ये देखिए इसमें केले भी आ रहे हैं, ये केले का पेड़ है, इसमें केले भी आ रहे हैं। और नीचे आप देखिए ये कितना सुंदर तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ मछलियाँ भी हमें अभी दिखाई दी थी और कुछ कछुए भी इसके अंदर हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है यहाँ इसका जो एरिया है पूरा। और आपको मैं दिखा दूँ ये जो व्यवस्था की गई है चारे के लिए, इधर है देखिए ये चॉप कटर मशीन भी लगा रखी है इधर। तो यहाँ जो गायों के लिए जो चारा होता है वो यहाँ पर कटिंग की जाती है। ये देखिए यहाँ पर चारे की व्यवस्था है, ये चॉप कटर मशीन है, इससे हरा चारा काटा जाता है। और इधर इस रास्ते के थ्रू ये आप देखिए अंदर गाय बंधी हुई हैं, ये यहाँ आश्रम की गौशाला है। ₹250 के लगभग यहाँ गाय हैं। और बछड़े कितने भैया यहाँ पे? 60 बछड़े के समथिंग यहाँ बैठ जाएंगे। और करीब 10 जो सेवक हैं, गायों के जो सेवक हैं, वो 10 सेवक यहाँ हमेशा 24 घंटे काम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा देवरा बाबा का आश्रम और पूरी जानकारी भी ली। तो यहाँ आपने बाबा की मचान के दर्शन भी किए थे जहाँ से बाबा आशीर्वाद दिया करते थे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।